Welcome to Time News Studios. You are watching 5 p.m. Bulletin. लाहौर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत रद्द थींदे ई ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के गिरफ्तार करे वरतो। लाहौर हाईकोर्ट शहबाज शरीफ की जमानत रद्द कई तो अदालत में नैब टीम के गिरफ्तार कर अदालत बाहरिया वे तादाद में पहुंचल लीगी अगवाणन कारकुनन की पार्टी कयादत की हिमायत में नारेबाजी। पुलिस अहलकार लीगी कारकुनन में मुँह मारी। नैब शहबाज शरीफ के इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के पहरे में ऑफिस मुंतकिल कर नैब लाहौर के ऑफिस में डॉक्टर्स की टीम तरफा शहबाज शरीफ जो तिबी मुआइनो। शहबाज शरीफ गिरफ्तारी के कागजन से सही कर छी। नैब जरिए चवण है तो शहबाज शरीफ ठीक ठाक है। सुभाने खेस लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया वो। शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ जो साथ न छड़ के डोह में गिरफ्तार किया वो है। नवाज लीग के मरकजी नायब सदर मरियम नवाज चो है तो शहबाज शरीफ जेल वन के तरजीह दिनी पर पेंे भा से गड बीठल रो। इंतकामी एहतसाब नवाज शरीफ और संदस साथिन का हौसला कमजोर न तो कर सके। हाँ वो दौर परे ना है जैसे आवाम मौजूदा हुकूमत ही उनके आनींदड़न एहतसाब कह मुल्क में इंसाफ थे हा तो शहबाज शरीफ बदर आसन सलीम बाजवा और संदस खानदान गिरफ्तार थे हा। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत कहते पीडीएम का बोखलाए की वजीर आजम इमरान खान टक्साटन से लही आयो है। इमरान खान सियासी इंतकाम लाए नैब जो इस्तेमाल बंद करे। नैब तरफा ओपोजिशन के इंतकाम जो निशानो बनाने से अवामी मुजाहिमत जो रस्तो न तो रोके सके। जारी थियल ट्वीट बयान में बिलावल भुट्टो तो गद्दार डिक्टेटर टिन खसूसी मुआवन वजीर वजीर आजम की भेण के अदालत में तलब न तो वे तो मुल्क में बिटो कानून है। असा शहबाज शरीफ के गिरफ्तार न करायो है जेड़ी करनी तेड़ी भरनी। सुद समा वारे वफाकी वजीर शबली फराज ओपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी से रद्दअमल जाहिर करने है तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जो फैसलो अदालत है खेस आजाद भी अदालत ही करे सके थी। इन फैसले से हुकूमत को भी वास्तो ना है। मरियम औरंगजेब हुकूमत नफर आला अदलिया से इल्जाम हयो है। नवाज लीग वारा रुगो पेंे हक में आयल फैसले के तस्लीम करा। इस तरह तो होता है इस तरह के काम। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अगोणे सदर आसिफ अली जरदारी संदस भेण फरियाल कारपुर वनी मजीद और अनवर मजीद सूदो बेन जवाबदार से फर्द जुर्म लागू कर छो। बुधनी दौरान पेश थे जवाबदार तरफा डोह मन का इनकार। अदालत पार्क लैंड छटो वाटर सप्लाई स्कीम रेफरेंसिस से फर्द जुर्म लागू करण वाली कार्रवाई 5 अक्टूबर तीन मुलतवी कर छी। एहतसाब अदालत के जज आजम खान टिन्ही रेफरेंसिस में फर्द जुर्म लागू करण वाली कार्रवाई हलई। चार्जशीट मिलने बाद जवाबदार अदालत का वापस रवाना। एहतसाब अदालत बाहरिया सहाफिन के सवालों से मुख्तसर जवाब दींदे आसिफ जरदारी चयो तो ही उहा जाए है जिता असा गुजरिया हुआसूं। जै इदारे में सजा और जजा न हुए वो इदारो तरक्की ना कह। वजीर आजम इमरान खान पिशावर महमद और खैबर एजेंसी में अपोजिशन पार्टीज की तनकीद कर पार्टी अंदरूनी सिंध में वोट खड़ी है वह कराची में को भी कम ना कंदी। नवाज लीग जो भी सेंट्रल पंजाब गढ़ हो तेकर सेंट्रल पंजाब का सवाए बन इलाक में किथे भी कम न थो। सिंध और पंजाब में केतरा ही इलाका पुठते रह जम थियल कबायली इलाकन लाए के पी हुकूमत पंजो हिस्सो दई छो। बन सूबन जो हुकूमतू चवन थी तो फंड्स घट आन कोशिश होंगी तो कबायली इलाकन और बलोचिस्तान के फंड्स की फ्राहमी यकीनी बनाई वे। बिलावल भुट्टो सियासत में हाकारी किरदार अदा करे सके तो आऊं एपीसी के एबीसी समझा तो। ओपोजिशन वारन 5000 मानू
ख्वाब में न डिठा तो जलसन में कि गर कंदा। वफाकी वजीर शेख रशीद चवा है पाक फौज और हुकूमत एक पेज तेन इमरान खान पहाड़ जिया पैं अजम से कायम है ओपोजिशन के चौधारी घेरों तंग कद खबर ना है तो बिलावल भुट्टो मुखा छोट जी रो है चवे तो जिते आऊँ हुंदस उत न वेह वोट के इज्जत की गाल नवाज शरीफ पैं पान कोर्ट के इज्जत दे जिया के हंज में जवान थियल नवाज शरीफ पाक फौज खिलाफ भारत जो बयानियों पेश कर नवाज शरीफ फैसलो किया है रहल जिंदगी लंडन में गुजारी कराची में मीडिया से ाले शेख रशीद तलाल चौधरी मुझी लेवल जो ना है उन मामले के छो मुझी एडी लेवल ना है न हुई जो उसामा बिन लादेन मूसा मिले नवाज शरीफ अजमल कसाब जो पतो न्यूज एजेंसी के दिनों हो। एसओपी के मुताबिक असेंबली नहीं करवाई गई और सोशल हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि क्लासेस में रखा गया है। फिलहाल असंट बार पूरा सारा अचन था जैसे जरूरत पड़ी तो उनको टाइम टेबल वगैरह ठाए छे बिल्कुल रेडी आयो तो उनके बिन शिफ्टन में खड़ी वेदे। आज हमारे स्कूल का फर्स्ट डे है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने टीचर्स से मिलकर भी बहुत खुश हूँ। दुआ है मुल्क में वायरस खत्म थे स्कूल खुलने रहन हम लोग और साथ में इन्हें घर देकर बहुत बोर हुए। अब स्कूल में हम लोग आए टीचर ने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया है। सजी सिंध में कोरोना की सूरत हाल सबब सतन महीनों का बंद थियल नर्सरी का अठे दर्जे तीन स्कूल स्कूली वाया तालीमी इदारा खुलण से बार उस्तादन में खुशी की लहर स्कूलन स्कूलन में बार उस्तादन तरफा एस ओ पीस तहत पढ़ाई जारी रखने जो अजम जाहिर। सिंध में मैट्रिक खां यूनिवर्सिटीज ताई तालीमी इदारा 15 सेप्टेंबर से खुली व्या हुआ। तालीम वाले वजीर सईद गनी और सेक्रेटरी तालीम सूदो मॉनिटरिंग टीमों जहाँ एस ओ पीस के अमल जो जायजो वन मुख्तलिफ स्कूल्स जहाँ दौरा तालीम खाते अपील कई है तो तालीमी इदारा वालदेन बार कोरोना का बचाव ला एस ओ पीस बाबत आगाही दियन जैसे वालदेन मुतमिन न होजन उ भली पैं बार स्कूल न माणन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ से गए दाऊं हां ताहिरा वजीर हेडलाइंस हम रखियूं तफसीली खबरों शॉर्ट ब्रेक खां पोए।